हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी? आई होप सभी आप लोग अच्छे होंगे। तो स्टूडेंट्स, आपको जैसा पता है कि हम लोगों ने जो है फंडामेंटल्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पे ऑलरेडी 3 क्लासेस किए हैं, जिसमें से कि हम लोगों ने जो बेसिक ऑफ इलेक्ट्रिसिटी के ऑलरेडी जो है जो मेन जो पॉइंट्स थे, मेन जो टॉपिक है वो ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। जैसे कि आप करंट, वोल्टेज या फिर चार्ज, ये सब तमाम तरह की जितनी भी आपकी जो टॉपिक्स होती हैं, छोटे छोटे जो पॉइंट्स होते हैं, सभी को हम लोगों ने डील किया है। इवन एसी और डीसी के बीच डिफरेंसेस जो है लास्ट क्लास हमारा टॉपिक था, और हम लोगों ने जो है स्टार्ट कर लिया था कि ऊष्मीय प्रभाव या फिर हीटिंग इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, ये हम लोगों ने स्टार्ट किया था, और फिर छोटा सा पार्ट उसमें हो करके हम लोगों ने जो इसको क्लोज करके उसमें क्वेश्चंस बहुत सारे किए थे। क्वेश्चन तो करीब करीब अभी तक हम लोगों ने 70 क्वेश्चंस कर लिए हैं। अब आगे जो है इस पर आज कुछ और क्वेश्चंस, अच्छे अच्छे क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करवाऊंगा, और फिर आज ये जो हमारा चैप्टर है उस चैप्टर को क्लोज करके हम लोग फिर नेक्स्ट चैप्टर की ओर बढ़ेंगे। तो होप गाइज कि आप लोगों ने इन क्लासेस को बेहतर ढंग से किया होगा, और मेरे समझ से आप लोगों को जो चीज़ें बहुत अच्छे से समझ में भी आई होंगी। और आप लोग के लिए आई थिंक कि ये जो क्वेश्चंस का जो पैटर्न है, क्वेश्चन जो मैं सेट जो करवाया हूँ, तो उनसे भी आप लोगों को बहुत ज़्यादा अपने आने वाले एग्जाम्स में बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलने वाला है। बात करिए थी आपका जैसे ऑनलाइन जो सीबीटी एग्ज़ाम होने वाला है, उसमें भी आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल आप लोग रहिएगा। और दूसरी बात है कि यदि कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की तैयारी आप लोग के कोई फ्रेंड्स या फिर कोई एल्डर या फिर यंगर जो भी करते हैं, तो उन तक भी यदि ये वीडियो पहुंच रहा है तो उन लोग के लिए भी अच्छा खासा ये हेल्प करने वाला है, क्योंकि मैं चीज़ों को बहुत ही डीपली और बहुत बेहतर ढंग से समझाने का अपना प्रयास किया हूँ, विथ एग्जांपल्स एंड विथ फिगर्स के साथ साथ। तो चलिए अब हम लोग जो है आज के पार्ट नंबर 4 और क्लास नंबर 11 को शुरू करते हैं, और इन चीज़ों को समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर हीटिंग इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी में क्या क्या पॉइंट्स है। तो गाइज, आप लोग को जैसे कि मैंने लास्ट क्लास में इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट में पहला पॉइंट जो है उसमें प्रभाव में कुछ पॉइंट्स के बारे में बताया था, ठीक है, जिसमें कि जो इंपॉर्टेंट आपका फॉर्मूला है H इक्वल टू आई स्क्वायर आर डी, इसी पर पूरा इर्द गिर्द जो है आपका पूरा हीटिंग इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी जो है चलता है, ठीक है। और इससे जो है फर्दर जो डिराइव्ड फार्मूले हैं H इक्वल टू पी टी, H इक्वल टू वी स्क्वायर टी बाई आर और H इक्वल टू वी आई टी, ये सब आपके फार्मूले हैं, इन सबको आप नोट कीजिएगा। और फिर चलिए, तो हम लोग ये तो लास्ट क्लास का ही पार्ट था, इस पर हम ज़्यादा चर्चा नहीं करेंगे। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं ऊष्मीय प्रभाव पर आधारित उपकरण, अप्लायंसेस जो कि ऊष्मीय प्रभावित प्रभाव पर बेस्ड होते हैं, ओके। लाइक एग्जांपल की बात करें, कहने का मतलब है कि इलेक्ट्रिसिटी का उपयोग करके हमें जो हीटिंग इफेक्ट्स मिले या फिर ऊष्मीय प्रभाव जो हमको मिल पाता है, या फिर कहिए कि जैसे एग्जाम्पल मैं दूँ, इलेक्ट्रिक आयरन का काम क्या है बताइए आप। इलेक्ट्रिक आयरन जो एक डिवाइस है जिसमें कि आपने क्या किया, इलेक्ट्रिसिटी दिया, और वो इलेक्ट्रिसिटी किस में कन्वर्ट हुआ, हीट में कन्वर्ट हुआ, और उस हीट से क्या करते हैं आप, अपने कपड़ों को प्रेस करते हैं। तो यही चीज़ है इसमें, इसका एक एग्जांपल हो गया। सेकंड एग्जांपल में बात करूं तो हीटर होता है, हीटर आप जनरल तौर पर आप देखे भी होंगे, मैं आपको दिखा भी देता हूँ। देखिए ये हीटर है, ठीक है, जिसमें कि आप लोग खाना वगैरह भी बनाते हैं ये, या फिर आप रूम हीटर भी होता है जिसमें कि आप लोग ठंडे के टाइम में हीट लेते हैं, ठीक है, ये हो गया। और जो है हमारा बल्ब, ठीक है, बल्ब जो होता है वो भी हीटिंग इफेक्ट्स के अंतर्गत ही आता है। उसमें भी क्या होता है कि इलेक्ट्रिसिटी के प्रयोग करके, इलेक्ट्रिसिटी का यूज ले करके हम लोग क्या करते हैं, उस बल्ब में जब इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई दिया जाता है तो वो जो इलेक्ट्रिसिटी है वो कन्वर्ट किस में होता है, हीट और लाइट में कन्वर्ट होता है, ओके। तो चलिए अब आपके टॉपिक, आपका जो सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग जो है इन सब पॉइंट्स में भी थोड़ा थोड़ा हम लोग जो है इन चीज़ों को जो है समझने की कोशिश करते हैं। तो इलेक्ट्रिक आयरन जो है फर्स्ट है, तो इलेक्ट्रिक आयरन में देखिए इसका थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन और इनके जो है वर्किंग के बारे में यदि मैं बात करूं, तो इसमें एक क्या होता है कि अभ्रक, जिसको कि माइका कहा जाता है, ठीक है, अभ्रक माइका, और जो बहुत चमकीला टाइप का होता है, ठीक है। और देखे होंगे कि गर्ल्स लोग जो लगाती है कुछ अपना मेकअप वेकअप करने के लिए भी, तो कुछ उस टाइप का यूज किया जाता है, जो कि पूरा शरीर, पूरा जो चेहरा है जो चमकता है, ठीक है। तो उन ही चीज़ों का अप्लीकेशन है एक तरह से। हालाँकि
वो जो है हम लोग जो कॉइल में जो यूज करते हैं लाइक आयरन में जो यूज करते हैं वो थोड़ा सा बड़ा होता है। यहाँ फिगर में भी आप देख सकते हैं, ये फिगर देखिए, ये वाला जो पार्ट है इसमें जो ये वाला पूरा हिस्सा है इसमें आपका जो है माइका ये आपका हो गया, ठीक है, मतलब अब्रक हो गया। अब्रक का एक प्लेट होता है, ठीक है, जिसमें जिसमें कि जो कि अब्रक का होता क्या है, ये अब्रक जनरली जो होता है आपका विद्युत का कुचालक होता है, ओके, विद्युत का बेस्ट कुचालक होता है, मतलब इंसुलेटर कहलाता है विद्युत के लिए, लेकिन उष्मा का सुचालक होता है, ओके। तो माइका क्या हुआ, उष्मा का सुचालक, कंडक्टर कहलाएगा हीट के लिए लेकिन विद्युत के लिए कुचालक कहलाएगा, ओके, विद्युत के लिए बैड कंडक्टर कहलाता है, ठीक। तो हम लोग क्या करते हैं, जो जो हमारा कॉइल होता है अब्रक, अब्रक के अंदर में, ठीक है, कॉइल कुंडली बना दिया जाता है, ठीक है, एक छोर से बनाया गया। देखिए मैं दिखा भी दूँ आपको, थोड़ा इसको जूम करूँगा तो आप लोग को समझ में आ पाएगा। देखिए ये आपका जो है कॉइल है, ये पुराने आयरन जो होते थे जो मैनुअल टाइप वाले आयरन होते थे उनमें इनका उपयोग किया जाता था, अभी तो ऑटोमेटिक वाला सब आयरन आ गया है तो उसमें इनका आजकल यूज नहीं होता है। उसमें किनका यूज होता है, तो ये वाले पार्ट का इसका यूज किया जाता है, ठीक है, ये वाले का यूज किया जाता है, लेकिन पुराने वाले जो आयरन होते थे उनमें इस अब्रक और अब्रक के अंदर में जो है कॉइल बना दिया जाता है कुंडली करके उसका प्रयोग किया जाता है। तो देखिए इसमें क्या इसका वर्किंग है, ये आपका जो है एक साइड हो गया, एक सिरा हो गया, ठीक है, यहाँ पे कॉइल को इस तरह से बांधा जाता है अंदर में, ठीक है, इस तरह से बांधा गया और फिर ये जो है इस तरह से बांध करके फिर यहाँ पे लास्ट आउट कर दिया जाता है। यहाँ प्लस दिया जाएगा, यहाँ माइनस दिया जाएगा इलेक्ट्रिसिटी का, ठीक है। अब अंदर में कॉइलिंग किया गया है, अब वो कॉइल क्या चीज़ का होता है वो भी मैं अभी बताऊँगा आपको, ठीक है। निक्रोम जो होता है हीटिंग एलिमेंट, उसका प्रयोग किया जाता है, ओके। तो जो ही आप इसके थ्रू जो आपका जो हीटिंग एलिमेंट के थ्रू जैसे ही इलेक्ट्रिसिटी प्रभावित की जाती है, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी जैसे ही फ्लो होता है तो क्या होता है वो इलेक्ट्रिसिटी जो है हीट में तब्दील होने लगता है, हीट में चेंज होने लगता है फॉर्म उसका, ओके। तो ये हीट होता है। अब रही बात कि यदि उसको डायरेक्टली आप लोहे के प्लेट में, मतलब कि आयरन का जो प्लेट होता है नीचे वाला, उसमें डायरेक्ट सटा दीजिएगा तो क्या होगा, करंट लगेगा। तो इसके लिए क्या किया जाता है, अवरक के ऊपर उस जो आपका जो कॉइल जो कुंडली जो बनाया है उसको रखा जाता है और फिर ऊपर से एक और अवरक को डाल दिया जाता है, ठीक है, मतलब अवरक के बीच में उस जो कुंडली बनाए हैं वो जो कॉइल बनाए हैं वो रहता है, ठीक है। तो ये है बेसिकली आपका कॉइल है, ठीक है। तो आइए अब हम लोग इसको देख लेते हैं। देखिए तो मैं बता रहा था कि जो आपका निक्रोम होता है, निक्रोम क्या होता है, आपका निकल प्लस क्रोमियम, ठीक है, इन दोनों धातुओं का मिश्रण जिसको कि एलॉय कहा जाता है, निक्रोम एलॉय का प्रयोग किया जाता है। किसमें प्रयोग किया जाता है, आयरन के कॉइल में प्रयोग किया जाता है, ठीक है। अब देखिए निक्रोम का जो प्रतिरोधकता होता है, ठीक है, रेजिस्टिविटी जो होता है और गलनांक मतलब कि मेल्टिंग पॉइंट जो होता है बहुत ज़्यादा हाई होता है, ओके, इस वजह से इसका हम लोग हीटिंग एलिमेंट्स के पर्पज़ से यूज करते हैं। क्वेश्चन यहाँ से भी आ सकता है कि निक्रोम का यूज क्यों किया जाता है, उसका आंसर क्या होगा, क्योंकि उसका रेजिस्टिविटी जो होता है, रेजिस्टेंस हाई होता है और जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो भी क्या होता है, हाई होता है। बात आई समझ में। यहाँ देखिए ये हो गया इलेक्ट्रिक आयरन, ये जो है अभी का ऑटोमेटिक आयरन है, ओके। तो ये ऑटोमेटिक आयरन में ये कॉइल होता है, इसमें भी जो है अंदर जो है निक्रोम का ही एलिमेंट होता है, ठीक है, इसके अंदर भी, ओके। और इसका पूरा डिटेल्स में आप समझिएगा तो इसको कभी क्लास में इस तरह से क्लास लूँगा तो फिर इन चीज़ों को भी बताऊँगा कि इसके अंदर एक्चुअली किस तरह से किया जाता है, ठीक है। पर इसमें मानिए कि ये जो आपको दिख रहा है इसके अंदर में एक कॉइल ही डाला जाता है, ठीक है, निक्रोम का एलिमेंट ही अंदर रहता है, यहाँ से शुरू किया जाता है इस जगह से, इस पॉइंट से, और यहाँ से बाहर आउट होता है। अब इन दोनों के बीच में जो है अंदर जो है इंसुलेटिंग मटेरियल्स को भर दिया जाता है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें उतने डीप में तो नहीं जाना है, लेकिन हाँ आपको मैं जो माइका का यूज़ किया जाता है, अब्रक का यूज़ किया जाता है कॉइल में, ठीक है, इलेक्ट्रिक आयरन्स में जो पहले के आयरन्स होते थे, ठीक है, उनमें जो जिस प्रकार से यूज किया था उसको मैंने अच्छे से आपको यहाँ पे समझा दिया है, ठीक है, ये चीज़। और किन्हीं के पास यदि पुराना आयरन होगा तो आप देखिएगा, कभी ख़राब हो यदि आपका तो आप देखिएगा तो आपको लगेगा कि हाँ सर ने जो बताया था वही सब चीज़ हमको यहाँ पे मिला है। तो आइए अभी हम लोग नेक्स्ट बात करेंगे हीटर का, ठीक है। तो हीटर की बात करते हैं, तो देखिए हीटर मेरे ख्याल से लगभग सभी कोई देखे भी होंगे और बहुत लोग तो घर में यूज करते भी होंगे हीटर का।
हालांकि अभी तो सभी कोई गैस का यूज करते हैं, लेकिन क्योंकि ये थोड़ा कॉस्टली हो जाता है ना, तो आपका मीटर का जो बिल है वो थोड़ा ज़्यादा आता है, इस वजह से हीटर का प्रायः यूज नहीं होता है। फिर भी ठंडियों के दिनों में जो ये वाला जो आपका हीटर होता है, ठीक है, ये जो रूम हीटर जिसको कहते हैं, इसका तो प्रयोग जनरली होता ही होता है। ओके, और ये खाना वाना बनाने के पर्पज़ से इनका यूज लिया जाता है। तो देखिए यहाँ पे अभी जो है इसका बात करते हैं, इसमें जो एक प्लेट होता है, ठीक है, वो मिट्टी का एक प्लेट होता है, मिट्टी जो आपका होता है उष्मा का भी क्या होता है, कुचालक होता है, और विद्युत दोनों का ही कुचालक होता है। ओके, तो इसमें भी जो क्या किया जाता है, जो आपका जो प्लेट होता है मिट्टी का, उसमें क्वाइल, ये जो क्वाइल है, ये वाला जो क्वाइल है, ये वाला, उसको बस इसमें मतलब बिछा दिया जाता है, वो इस तरह से बना हुआ रहता है, पूरा प्लेट रहता है, और इस तरह से इसको इस टाइप से बिछाया जाता है, एक दोनों एंड को जो है प्लस माइनस से सप्लाई दे दिया जाता है। ओके, देख लीजिए एक बार, ये हो गया आपका प्लेट मिट्टी का जो भी है, ठीक है, और फिर चीनी मिट्टी होता है, ठीक है, चीनी मिट्टी का होता है, और इस टाइप से यहाँ पे क्वाइलिंग कर दिया जाता है, इसका एक छोर इधर, एक छोर इधर, और यहाँ प्लस और यहाँ माइनस दे दिया जाता है। तो बस यही है यहाँ पे। आइए अब हम लोग नेक्स्ट बात करते हैं बल्ब की। बल्ब से सभी कोई परिचित हैं, तो देखिए बल्ब जो है इससे क्वेश्चंस आते हैं, तो इसको मैंने जो है अच्छे से चीज़ों को समझाने का जो है प्रयास किया है, पॉइंट्स के आधार पर, बहुत सारे इसमें पॉइंट्स हैं और बहुत सारे इसमें क्वेश्चंस भी बनेंगे। तो जो थ्योरी करा रहा हूँ, तो थ्योरी बकवास चीज़ नहीं है, इसमें आपके बहुत सारे क्वेश्चन छिपे हुए हैं, ठीक है, तो आप इन थ्योरीज को भी नोट करते रहिए। रही बात कि जो कुछ बच्चे होंगे जो कि बीच में अभी आएंगे, ठीक है, इस टाइम में वो प्रवेश करेंगे मेरा क्लास में, कहाँ से उनको समझ में आएगा कि सर बल्ब के बारे में बता रहे हैं, इलेक्ट्रिसिटी का प्रयोग करके बल्ब में कैसे हीट आता है और लाइट कैसे आता है, ये चीज़ तो पहले ही निकल चुका, या फिर इसके पहले वाला जो क्लास था इससे इंटररिलेटेड, रेजिस्टिविटी में वर्ड अभी यूज कर रहा था, रेजिस्टिविटी कहाँ समझ में आएगा उनको। तो यही चीज़ है, आप लोग क्लास यदि करते हैं तो ढंग से क्लास कीजिए, और पूरे क्लास को अच्छे से कीजिए, लास्ट तक कीजिए, इसलिए क्योंकि हर एक पॉइंट्स कहीं ना कहीं एक दूसरे से इंटर रिलेटेड रहता ही रहता है। बेसिक ऑफ इलेक्ट्रिसिटी जो आप जो ये चैप्टर चल रहा है, ये आपका यदि आपने इलेक्ट्रीशियन ट्रेड आप कर रहे हैं, या वायरमैन से आप हैं, या आप डिप्लोमा के स्टूडेंट हैं और इलेक्ट्रीशियन, या फिर आपका जो पॉलिटेक्निक में आपका जो ये है सब्जेक्ट है, मतलब ट्रेड जो है, ठीक है, इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट है आपका, तो आप यदि ये वीडियो देख रहे हैं और आप फर्स्ट के वीडियो नहीं देख रहे हैं, तो आपको बेहतर से चीज़ें समझ में नहीं आएंगी, क्योंकि हर एक पॉइंट अपने आप में बहुत कुछ बयां करता है, उसको आप नहीं समझिएगा, उनको आप पहले से उन चीज़ों को आप नहीं समझ रहे हैं, तो अभी एट अ टाइम आप सोचिएगा कि हम फर्स्ट, अच्छा एक बार बताइए हमको, फर्स्ट चैप्टर जो दिया रहता है टेंथ का बुक भी देखिएगा, तो उसमें यही लाइट चैप्टर रहता है या फिर इलेक्ट्रिसिटी का चैप्टर रहता है, उसके बाद मैग्नेटिज्म पढ़ाया जाता है, बाद में मैग्नेटिज्म पढ़ाया जाता है, बाद में क्यों पढ़ाया जाता है, पहले पढ़ा दिया जाता है, ऐसा तो नहीं होता है ना कि बाद में मैग्नेटिज्म को क्यों पढ़ाया जाता है, इसके पीछे कुछ लॉजिक होगा कि पहले बेसिक ऑफ इलेक्ट्रिसिटी लोग समझें, यदि हम चार्ज को नहीं बता पाएंगे पहले व्हाट इज चार्ज, तो व्हाट इज इलेक्ट्रिसिटी कैसे बता पाएंगे, क्योंकि जब डिफिनेशन बताएंगे इलेक्ट्रिसिटी का तो उसमें चार्ज घुसेगा ही, तो कोई तो आप जिसको बताइएगा वो चार्ज के बारे में आपसे पूछेगा ही। तो यहीं पे जो है ना लड़के मार खा जाते हैं। सिंपल सा पॉइंट है कि आपको कोई टॉपिक आप पूरे चैप्टर को यदि कर रहे हैं, तो आपको सबसे पहले क्या करना होगा कि हर एक पॉइंट्स को, हर एक बिंदु को स्टार्टिंग से लोग क्या करते हैं, चैप्टर स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन पार्ट को छोड़ देते हैं। इंट्रोडक्शन इतना ही महत्वपूर्ण चीज़ होता है कि उसमें सारा ब्रीफ पूरा चैप्टर के बारे में वर्णन रहता है। तो यही है, तो लिखा गया है कुछ भी बुक में, तो इसका मतलब ये नहीं कि बकवास करके किया गया है, ठीक है। तो चलिए कोई नहीं, आप लोग ध्यान से देखिए इन चीज़ों को, और दूसरी बात है कि जो जो क्लासेस आप लोग को छूट रही हैं उन क्लासेस को बेशक कीजिए, ठीक है। तो यही है, चलिए अब बात करते हैं बल्ब की। बल्ब जो है आप लोग सभी के सभी को आप बल्ब से परिचित हैं अच्छे से, बल्ब सभी कोई जानते हैं। देखिए ये क्या होता है, एक इसका जो आउटर जो पार्ट होता है वो कांच का होता है, ओके, क्या होता है, कांच का होता है, और इसमें इसका जो फिलामेंट होता है, फिलामेंट, ओके, फिलामेंट कौन सा हिस्सा होगा, ये वाला जो हिस्सा होता है, ये वाला, ये होता है फिलामेंट का, ओके। ये किस चीज़, किस धातु का बना होता है, ये इसका जो फिलामेंट होता है वो टंगस्टन धातु का बना होता है। टंगस्टन का सिंबल क्या होता है, यदि पीरियोडिक टेबल में हम लोग केमिस्ट्री में यदि बात करें, टंगस्टन का सिंबल तो होता है क्या, कैपिटल W होता है, ओके। तो देखिए यहाँ पे मैं दो लाइन ही बोला हूँ, लेकिन इससे चार क्वेश्चन निकल चुके हैं, ओके, कि फिलामेंट जो है किस धातु का बना होता है, अब उस धातु का सिंबल क्या होता है, तो इस तरह से। चलिए तो मैंने क्या बताया कि जो टंगस्टन होता है वो फिलामेंट के रूप में प्रयोग किया जाता है बल्ब के लिए,
ओके। अब इसका जो क्या होता है कि जो जो आपका जो फिलामेंट होता है उसका एक्चुअली क्यों उसका यूज किया जाता है, इसलिए किया जाता है ताकि क्योंकि उसका जो गलनांक होता है एवं जो प्रतिरोध होता है, ठीक है, मेल्टिंग पॉइंट एंड रजिस्टिविटी या फिर रजिस्टेंस जो होता है वो बहुत ही ज़्यादा होता है, ठीक है। तो देखिए, पर यदि ऊंचे तापमान की बात करें, यदि हाई वैल्यू ऑफ टेम्परेचर की बात करेंगे तो वहाँ पे क्या होगा, ये ऑक्सीकृत हो जाएगा, यानी मतलब ऑक्सीडेशन हो जाएगा इसका। मान लिया जाए कि मैं बता रहा हूँ कि बल्ब के बारे में पूरा आपको बता रहा हूँ, ठीक है, आप समझने की कोशिश कीजिए कि बल्ब के अंदर आखिर टंगस्टन का प्रयोग किया जाता है, ठीक है, तो क्यों किया जाता है, और दूसरी बात है कि बल्ब के अंदर कौन सी गैस भरी जाती है और उस गैस क्यों भरा जाता है उस गैस को, इन चीज़ों को मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो देखिए, बात को समझिए, हम लोगों ने टंगस्टन यूज क्यों किया बल्ब में, इसलिए यूज किया है क्योंकि उसका मेल्टिंग पॉइंट जो है ज़्यादा होता है, ओके, और रेजिस्टिविटी भी क्या होता है उसका ज़्यादा होता है, तो गलनांक भी ज़्यादा है और प्रतिरोध भी उसका क्या होता है ज़्यादा होता है। इस वजह से हम लोग फिलामेंट के रूप में, बल्ब के फिलामेंट के रूप में हम लोग टंगस्टन का प्रयोग करते हैं। परंतु ज्यों ही आप उसमें सप्लाई दीजिएगा तो क्या होगा, ज्यों ही आप बल्ब में सप्लाई दीजिएगा, ओके, तो बल्ब क्या होगा, जो आपका टंगस्टन है, यदि अंदर बल्ब के अंदर कुछ भी आप नहीं दिए, ठीक है, ऐसे ही रह गया, उसके अंदर कोई गैस आप नहीं भरे, तो ज्यों ही आप सप्लाई दीजिएगा तो हाई वोल्टेज के कारण जो जो टंगस्टन होगा वो हाई वोल्टेज, मतलब हाई तापमान वहाँ पे आएगा, हैवी हीट वहाँ पे जनरेट होगा, ओके, तो वहाँ उच्च तापमान के कारण जो है वो वाला जो टंगस्टन था वो क्या हो जाएगा, ऑक्सीकृत हो जाएगा, ऑक्सीडेशन हो जाएगा उसका, ठीक है, मतलब वो क्या हो जाएगा, जल करके खाक हो जाएगा, गिर जाएगा वो, मतलब कि मेल्ट कर जाएगा। इसलिए जो ये आपका बल्ब होता है, बल्ब में जो है निर्वात रखा जाता है, मतलब कि बल्ब को पहले किस में रखा जाता है, वैकम्प में रखा जाता है, ओके, बल्ब को पहले किस में रखा जाता है, वैकम्प में रखा जाता है। अब यदि यदि मान लिया जाए उसको आप वैकम्प में ही रख दिए, ठीक है, उसको यदि उस बल्ब को आप बल्ब के अंदर कोई गैस नहीं भरे हैं, ऑक्सीजन भी नहीं रखे, यदि ऑक्सीजन है तब तो ऑक्सीडेशन हो गया, ऑक्सीकृत हो गया उसका टंगस्टन, लेकिन यदि आप ऑक्सीजन भी नहीं रखे हैं, दैट मीन्स कि उसको निर्यात में रख दिए हैं, निर्वात में रखे हैं, मतलब वैकम्प में रखे हैं, तो क्या होगा कि वो भी उसका भी जो है संचरण संवहन द्वारा नहीं हो पाने के कारण टंगस्टन पिघलकर वाष्पीकरण हो जाएगा, ठीक है, क्या हो जाएगा कि टंगस्टन जो है वो वेपराइज कर जाएगा, मेल्ट कर जाएगा, बात समझ में आया, क्या हो जाएगा, वाष्पीकृत हो जाएगा। इस वजह से इन सब समस्याओं को दूर करने के लिए हम लोग नाइट्रोजन या फिर आर्गन गैस, जो कि स्टेबल गैस होता है, ठीक है, इनर्ट गैस होता है, नोबल गैस होता है, इसका हम लोग प्रयोग करते हैं, ठीक है, आर्गन जो है आपका क्या होता है, नोबल गैस होता है, तो उसका हम लोग प्रयोग करते हैं किसमें, गैस भरने के उपयोग में लिया जाता है, बल्ब के अंदर गैस भरा जाता है। तो पॉइंट्स क्लियर हुआ कि आर्गन या फिर नाइट्रोजन का प्रयोग क्यों किया जाता है, क्योंकि क्योंकि टंगस्टन जो है यदि नहीं उसमें भरेंगे हम लोग इनर्ट गैस, तो इतना ज़्यादा हीट होगा कि वो जो है क्या होगा, गल जाएगा, टंगस्टन हमारा लोड नहीं ले पाएगा, या तो वाष्पीकृत हो जाएगा या ऑक्सीडेशन हो जाएगा। इस वजह से हम लोग क्या करते हैं, आर्गन गैस का उपयोग करते हैं। अब देखो, फिलामेंट का तापमान की मैं बात करूँ तो सोचिए, फिलामेंट का जो तापमान है 1500 से 3000 डिग्री सेल्सियस तक होता है। 3000 डिग्री सेल्सियस समझ सकते हैं कितना ज़्यादा वैल्यू होगा। 100 डिग्री सेल्सियस पे आपका पानी उबलता है कि नहीं, और यहाँ पे जो है 3000 सेल्सियस तक फिलामेंट का तापमान होता है। देखिए अभी की देखिए, बल्ब फूटने के बाद क्या होता है, जैसे ही बल्ब फूटता तो आवाज़ होता है। क्यों आवाज़ होता है, क्योंकि अंदर क्या होता है, अंदर कहीं ना कहीं वैकम्प टाइप का माहौल होता है, ठीक है, तो जैसे ही वो फूटता है तो बाहर की हवा तुरंत अंदर प्रवेश करती है, और जैसे ही प्रवेश करती है तो एक आवाज़ सा वो करता है, ओके। अब देखिए, कभी कभी बल्ब का जो कांच होता है वो काला हो जाता है, तो इसका मतलब क्या है कि जो टंगस्टन के ऑक्सीकृत हो जाने के कारण, तो जैसे टंगस्टन है वो टंगस्टन क्या हो जाता है, ऑक्सीकृत हो जाता है, ऑक्सीडेशन हो जाता है उसका, इस वजह से जो बल्ब है वो उसका बल्ब का जो कांच होता है वो काला हो जाता है। अब टंगस्टन का गलनांक भी याद रखिए आप लोग, क्वेश्चन आता है इससे, टंगस्टन गलनांक जो होता है, मेल्टिंग पॉइंट होता है, वो 3380 डिग्री सेल्सियस होता है, ठीक है, आगे की बात समझ में। अब थोड़ा मैं इसका जो हूँ आपको बता दूँ, इसका जो कौन कौन सा पार्ट क्या होता है, तो देखिए ये वाला जो पार्ट है आपका इलेक्ट्रिकल कॉन्टैक्ट, जो कि प्लस एक होता है, एक माइनस, इस टाइप से होता है, ओके, ये वाला पार्ट जो होता है कैप का होता है, कैप मतलब
टोपी एक तरह से कहिए, ये वाला हिस्सा आपका ग्लास का हो गया, बाहर का पूरा जो एरिया क्या है ग्लास शीशा का ही होता है। ये देखिए यहाँ पे कॉन्टैक्ट वायर, ये कॉन्टैक्ट वायर है ओके, जो कि प्लस और माइनस में जा करके टच होता है, ये हो गया कॉन्टैक्ट। ये अंदर तो जा नहीं रहे आप, गैस कौन सा, नाइट्रोजन या फिर आर्गन ओके। ये ग्लास बल्ब हो गया बाहर वाला, ठीक है, ये फिलामेंट हो गया टंगस्टन का। अब ये जो अंदर में छोटा सा देखते हैं क्या होता है, सपोर्टिव, सपोर्ट करने के लिए दिया जाता है, सपोर्ट वायर रहता है। चलिए ये आपको समझ में आ गया। अब देखते हैं हम लोग चुंबकीय प्रभाव, मतलब मैग्नेटिक इफेक्ट्स। तो देखिए मैग्नेटिक इफेक्ट्स भी इसका एक एप्लीकेशन है, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी का एप्लीकेशन क्या है, मैग्नेटिक इफेक्ट्स। जैसे कि केमिकल, जैसे कि आपका केमिकल इफेक्ट होता है, मैग्नेटिक इफेक्ट होता है, हीटिंग इफेक्ट्स होता है। तो हीटिंग इफेक्ट्स में मैंने तीन पार्ट पढ़ा दिया आपको, जिसमें कि आयरन था, बल्ब था, ठीक है, ये सब चीज़ पढ़ाया, हीटर था, ये तीनों पार्ट। अब हम लोग पढ़ेंगे चुंबकीय प्रभाव, मतलब मैग्नेटिक इफेक्ट, मैग्नेटिक इफेक्ट। देखिए तो क्या होता है इसमें, विद्युत धारावाही चालक के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र पैदा हो जाता है, यह विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव होता है। जब भी कोई कंडक्टिंग करंट कैरिंग कंडक्टर, ठीक है, से करंट जब गुजरता है, से क्या होता है, जब करंट गुजरता है, लाइक जैसे ये मेरा माइक का वायर है, इससे यदि इलेक्ट्रिक करंट गुजरेगा तो इसके अराउंड, इस वायर के अराउंड जो है बाहरी हिस्से में एक चुंबकीय प्रभाव आ जाएगा। क्या आ जाएगा, एक चुंबकीय प्रभाव आ जाएगा। ये मैग्नेटिक चैप्टर जब पढ़ाएंगे उसमें और बेहतर ढंग से इन चीज़ों को समझाऊंगा मैं, ठीक है। चलिए अभी तक अभी इतना ही जानिए, इस बेसिक ऑफ इलेक्ट्रिसिटी में ज़्यादा कुछ नहीं है, बस यही है। अब देखिए इसका खोज कौन किया था, इसका खोज जो है एच सी ऑर्स्टेड ने किया था। अब इसका कुछ उपयोग है, इसका कुछ जो है यूज़ है, इसका यूज कहाँ कहाँ है, देखिए गैल्वेनोमीटर, गैल्वेनोमीटर में वेट स्टोन ब्रिज जो पढ़ा रहा था वहाँ गैल्वेनोमीटर बताया था कि सूक्ष्म जो है करंट का भी डिफ्लेक्शन गैल्वेनोमीटर करता है, और बेसिकली करंट मेजरमेंट के लिए गैल्वेनोमीटर का यूज किया जाता है। एमीटर तो आपको पता ही है, मैं क्वेश्चन भी इसे कराया था, एमीटर करंट नापने का एक यंत्र होता है, यहाँ आप फिगर में भी देख सकते हैं, मैं उसका लिया हूँ। फिर वोल्टमीटर वोल्टेज नापने का यंत्र होता है, इलेक्ट्रिक बेल, इलेक्ट्रिक बेल आपके स्कूल वगैरह कॉलेज वगैरह में जो है लगा हुआ मिलेगा आपको, इलेक्ट्रिक बेल हो गया। फिर पंखा फैन भी उसी का एप्लीकेशन है, मैग्नेटिक इफेक्ट्स के कारण ही होता है, ठीक है। फील्ड बनता है, डबल फील्ड, रिवॉल्विंग थ्योरी, ये सब आपका जो है सीलिंग फैन ये सब, या फिर सिंगल फेज इंडक्शन मोटर, इन सब के में कंसेप्ट में आता है। उसके बाद मोटर इत्यादि में इसका मैग्नेटिक इफेक्ट्स का यूज है। तो थोड़ा सा इसको आप देख लीजिए, यहाँ पे देखिए ये आपका एमीटर का हिस्सा है, यहीं पे सिर्फ एक जगह दी भी मिल गया तो ये क्या हो जाएगा, वोल्ट मीटर हो गया। ये तो मोटर सब आप लोग जान ही रहे हैं इसको, और ये आपका क्या है, इलेक्ट्रिक बेल है, इलेक्ट्रिक बेल। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं केमिकल इफेक्ट्स की। तो केमिकल इफेक्ट्स भी इसका, इलेक्ट्रिसिटी का बहुत अच्छा और बहुत, इसका भी बहुत बड़े पैमाने पे यूज लिया जाता है इलेक्ट्रिसिटी से। केमिकल इफेक्ट्स कहने का मतलब क्या हुआ, इलेक्ट्रोलिसिस या फिर इलेक्ट्रोप्लेटिंग, ये सब इसके एप्लीकेशंस हैं। जो मैं बोल भी रहा था पिछले क्लास में कि जैसे कि आपको एक छोटा सा ही बस एग्जांपल दिया था मैं कि चांदी के ऊपर जो सोना का जो परत चढ़ाया जाता है, लेयरिंग जो चढ़ाया जाता है, वो इसी इलेक्ट्रोप्लेटिंग के जरिए ही चढ़ाया जाता है ओके। तो देखिए इसमें थोड़ा बहुत हम लोग इन इलेक्ट्रोलिसिस इन पॉइंट्स को समझते हैं। रासायनिक प्रभाव क्या है, देखिए अम्लीय विलयनों में से विद्युत धारा प्रवाहित करने पर विलयन में घुले पदार्थ अपने अवयवों में विभाजित हो जाते हैं, यह विद्युत धारा का रासायनिक प्रभाव कहलाता है। देखिए जो भी एसिडिक सॉल्यूशन आप ले लिए, कोई एसिडिक सॉल्यूशन ले लिए, ठीक है, उसमें क्या किया, आपकी इलेक्ट्रोड, दो इलेक्ट्रोड डाल दिए, कैथोड और एनोड इलेक्ट्रोड आप डाल दिए, जब उसमें आप सप्लाई देते हैं, ठीक है, यहाँ मैं आपको अच्छे से दिखाऊँ, ये आपने क्या किया कि कैथोड इलेक्ट्रोड ले लिया, ये आपने एनोड इलेक्ट्रोड ले लिया। अब इसमें कोई सॉल्यूशन आपने दिया, एसिडिक कोई सॉल्यूशन दे दिया, H2SO4 या कोई भी आपने, या HCl या, ठीक है, ये आपने इसमें सॉल्यूशन ले लिया, इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन ले लिया ओके। अब यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, यहाँ से सप्लाई देते हैं, ठीक है, सप्लाई दिया जाता है यहाँ से, इन दोनों इलेक्ट्रोड्स पर क्या किया जाता है, सप्लाई दिया जाता है। जैसे सप्लाई दिया जाएगा तो क्या होगा, जो सॉल्यूशन था, ये जो आपका एसिडिक सॉल्यूशन है, वो टूटने लगेगा, अपने आयंस में टूटने लगेगा, ठीक है, आयंस कौन सा, अनायन और कटायंस में ये टूटने लगेंगे ओके। तो ये क्या है, ये जो है केमिकल इफेक्ट्स के कैटेगरी में आता है, केमिकल इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी में ये आएगा। चलिए अब इसका जो है
खोज किसने किया? इसका जो खोज है माइकल फैराडे ने किया था। ओके, देखिए, वैसे विलयन जिसमें विद्युत धारा प्रवाहित हो सकती है विद्युत उपघटत्य कहलाता है। विद्युत उपघटत्य में धारा का प्रभाव आयंस घनायन एवं ऋणायन के कारण होता है। देखिए, अब क्या बोला, ये पॉइंट्स में बताया भी था कि जो ऐसे सॉलिड मेटल्स है उसमें जो है विद्युत प्रवाहित किसके कारण होता है, तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स के कारण। लेकिन यदि यदि मैं सॉल्यूशन की बात करूं, ठीक है, या फिर आपको इलेक्ट्रोलिसिस में यदि बात करूं, तो उसमें जो है चार्ज का जो है या फिर इलेक्ट्रिसिटी कैसे प्रभावित होती है, तो आयंस के कारण होती है। आयंस कौन सा, घनायन या फिर ऋणायन, मतलब कि अनायन और कटायन। ओके, अनायन एंड कटायन। तो चलिए आगे देखते हैं हम लोग। तापमान बढ़ने पर विद्युत उपघटत्य का प्रतिरोध घटता है तथा चालकता बढ़ती है। यदि टेम्परेचर बढ़ गया, ठीक है, यदि टेम्परेचर बढ़ गया तो इलेक्ट्रोलिसिस में क्या होगा कि प्रतिरोध जो हो जाएगा वो घटने लगेगा। ठीक है, क्या होगा, रेजिस्टिविटी क्या हो जाएगा, कम होने लगेगा, और चालकता जो कंडक्टिविटी है क्या हो जाने लगेगी, बढ़ने लगेगी। ओके, देखिए, जिस बर्तन में विद्युत उपघटन की क्रिया होती है उसे विद्युत अपघटनी सेल या इलेक्ट्रोलिटिक सेल या वोल्टमीटर कहते हैं। अब देखिए, अब जिस बर्तन में ये क्रियाएं होती हैं, ठीक है, जैसे लाइक ये हो गया, ठीक, तो जिस बर्तन में आपका जो इलेक्ट्रोलिसिस का क्रिया जो किया जाता है, ठीक है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोलिटिक सेल कहते हैं या फिर वोल्टमीटर कहते हैं। तो इस पे भी एक चैप्टर है पूरा आपका सेल बोल करके, उसमें भी इलेक्ट्रोलिटिक सेल या वोल्टमीटर ये सब चीज़ आप लोग को मिल जाएगा, या ड्राई सेल, इस तरह का बहुत सारा चीज़ आप लोग को उसमें पढ़ने को मिलेगा। आप देखिए, कुछ इसमें और थोड़ा सा पॉइंट है कि फैराडे का विद्युत उपघटन का नियम, ठीक है, तो फैराडे का जो आपका लॉ है उसको हम लोग देखते हैं कि जैसे मैं बता रहा था कि आपका जो रिक्वायर्ड जो आपका एलिमेंट है, या फिर मान लिया जाए कि जो आपको चाहिए, ठीक है, उस सॉल्यूशन से क्या करते हैं हम लोग कि उसका इलेक्ट्रोप्लेटिंग करते हैं या फिर इलेक्ट्रोलिसिस करके जो रिक्वायर्ड है, लाइक रिक्वायर्ड हमको क्या है कि हमको रिक्वायर्ड है कि चांदी के ऊपर सोना का परत चढ़ाना है, ठीक है, तो कितना वैल्यू जो सोना का उसमें चढ़ा, ठीक है, सोना का जो वैल्यू उसमें चढ़ा आपका जो आपका रिक्वायर्ड आपका एलिमेंट है, ठीक है, तो कितना मास उसका होगा, कितना उसका वैल्यू होगा, उसको कैसे निकालिएगा, उसको हम लोग इस फॉर्मूला से निकालते हैं। फैराडे के विद्युत उपघटन का नियम के अनुसार हम लोग इसको निकालते हैं। ओके, तो देखिए, विद्युत उपघटन की क्रिया में कैथोड पर जमा धातु का द्रव्यमान उपघटत्य से प्रभावित आवेश Q के समानुपाती होता है। कहने का मतलब कि चार्ज के अकॉर्डिंग जो है मास होता है, जितना मास डिपॉजिट होगा इलेक्ट्रोड पे, ठीक है, वो किसके इक्विवेलेंट होगा, वो चार्ज के इक्विवेलेंट होगा, चार्ज जितना आप दिए हैं उसके इक्विवेलेंट होगा। और तो चार्ज का फॉर्मूला क्या होता है, चार्ज का I इक्वल टू क्यू बाय टी, तो क्यू बराबर क्या हो जाएगा, आई टी। ओके, आई टी, तो यहाँ पे हम लोग क्यू के जगह पे आई टी को लिख दिया। जब ये प्रोपोर्शनलिटी हटाते हैं तो क्या बना देते हैं, इसको इक्वल टू देते हैं, तो एक कॉन्स्टेंट आता है, कॉन्स्टेंट का नाम क्या है, जेड है, ठीक है, जेड। तो फॉर्मूला क्या हो गया, एम इक्वल टू जिट, जेड आई टी, जेड आई टी, कैपिटल आई और स्मॉल टी। देखिए, जेड क्या है, धातु का विद्युत रासायनिक तुल्यांक, ठीक। ओके, देखिए, एसआई मात्रक जो है केजी पर कूलम्ब होता है, ठीक है, इसका जो आपका एसआई मात्रक होता है वो क्या होता है, केजी पर कूलम्ब। ओके, और एक फैराडे बराबर कितना हो गया, 96,500 कूलम्ब, ये तो पिछले क्लास में बताए थे। आइए, अब जो है इसका कुछ उपयोग देखिए, रासायनिक प्रभाव का क्या ये उपयोग है, तो सेल्स में जो है, सेल जो हो गया आपका, इसमें सभी में तो हम लोग जो है इस रासायनिक प्रभाव मतलब कि इलेक्ट्रिसिटी दिए और उससे कुछ केमिकल इफ़ेक्ट्स आया, तो वो आपका जैसे उपकरण में सेल की बात करें तो वही होता है, ठीक है। ओके, उसके बाद इलेक्ट्रोप्लेटिंग भी क्या है, इलेक्ट्रोप्लेटिंग आप इलेक्ट्रिसिटी दे करके
केमिकल या फिर आपको रासायनिक क्रिया कर रहे हैं तो इसका एप्लीकेशन ही है। चलिए नेक्स्ट है, मेटल एक्सट्रक्शन में होता है इसका उपयोग, मतलब धातु निष्कर्षण में, और फिर विद्युत मुद्रण में मतलब प्रिंटिंग में, सेल की ध्रुवता ज्ञात करने में, मतलब पोलैरिटी ऑफ सेल्स का चेक करने में, प्लस माइनस ये सब चेक करने के लिए हम लोग इसका उपयोग करते हैं। आइए थोड़ा सा इसको देख लेते हैं। तो देखिए यहाँ, देखिए डीसी सप्लाई दिया गया है, यहाँ पे हम लोग जो है कॉपर का एनोड ले लिए हैं, सॉल्यूशन कौन सा है, CuSO4 का सॉल्यूशन लिया गया है, ठीक है। और ये वाला पार्ट क्या है मेरा, कैथोड है, ओके कैथोड है। तो अब मान लिया जाए, मैं आपको यहाँ पे अच्छे से समझा देता हूँ, देखिए ये इसमें किया क्या जाता है। देखिए यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, बेसिकली मान लिया जाए एक ये बर्तन है, ठीक है, ये एक बर्तन है, इसको ये किसी लोहे का मान लीजिए बर्तन है, ठीक है। अभी हम लोग चाहते हैं क्या, इसमें कॉपर जो है तांबा का इसमें ना कोटिंग कर दे, बाहर से तांबा का हम लोग इस पर लेयर एक चढ़ा दें, तो क्या कीजिएगा, इसको क्या कीजिएगा आप, डीसी सप्लाई के नेगेटिव से कनेक्ट कीजिएगा, माइनस से आप इसको कनेक्शन कीजिएगा, और जो कॉपर का जो बीट है या फिर कॉपर का जो मेटल है, ठीक है, उसको यहाँ इसमें ले लिए, इसको क्या बोलेंगे हम लोग, एनोड बोलेंगे। इसको किससे जोड़ेंगे हम लोग, प्लस से जोड़ेंगे, ठीक है, सप्लाई के प्लस से इसको जोड़ देंगे। अब क्या होगा, सोल्यूशन हम लोग क्या कर लेंगे, जो सोल्यूशन है कॉपर सल्फेट कर लेंगे, CuSO4 सल्फेट लेंगे सोल्यूशन। जैसे ही यहाँ से इलेक्ट्रिसिटी पास होगी, ठीक है, जैसे इलेक्ट्रिसिटी पास होगी क्या होगा, ये जो CuSO4 है ये टूटेगा, CuSO4 क्या होगा, Cu++ में टूटेगा और SO4- में ये टूटने लगेगा, आयंस जो है इसके क्या होने लगेंगे, टूटने लगेंगे, यहाँ ब्रेक करने लगेंगे, प्लस माइनस अगर ब्रेक करेगा। अब इलेक्ट्रिसिटी तो क्या होना है, कंडक्ट होना है, पूरा सर्किट बनता है आपको पता है, तो आयंस क्या होंगे, मूव करेंगे एक दूसरे की तरफ। अब किधर मूव करेंगे, तो कॉपर प्लस वाला जो है ये नेगेटिव, क्योंकि ये नेगेटिव है और कॉपर में कौन सा सिंबल है, प्लस का सिंबल है, तो ये प्लस वाला किधर जाएगा, माइनस की तरफ अट्रैक्ट होने लगेगा, और फिर SO4 वाला जो किधर जाने लगेगा, इधर जाने लगेगा। तो क्या हुआ, कंडक्टिव हुआ कि नहीं, कंडक्टिविटी जब हुआ तो क्या होगा, करंट भी पूरा कंप्लीट होने लगेगा। ऐसे में क्या होगा कि यहाँ का जो आपका धातु है, ठीक है, कॉपर का जो धातु है वो गलेगा, ठीक है, वो टुकड़ा उसका होता जाएगा, यहाँ से ये कटता जाएगा, इसका निकलता जाएगा कॉपर, और इस पे जाके जमा होता जाएगा, ये पूरा इसका लेयर में जो है बाहर पूरा एकदम ये कॉपर का एक चादर सा बन जाएगा, ठीक है। तो यही होता है आपका इलेक्ट्रोप्लेटिंग, ठीक है, यही चीज़, यही कंसेप्ट जो है क्या किया जाता है, कॉपर में आपका जो सोना का और चांदी का यूज किया जाता है, इन्हीं चीज़ों का यहाँ पर इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। जैसे यहाँ पर गोल्ड का ले लेगा, गोल्ड का प्लेट ले लेगा एक एनोड के रूप में, और ये वाला पार्ट जो है आपका कैथोड के रूप में क्या ले लिया जाएगा, चांदी ले लिया जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे कोई सॉल्यूशन दे देगा, ठीक है, आपका गोल्ड से रिलेटेड सॉल्यूशन पड़ जाता है, और फिर यहाँ पे बैटरी से कनेक्शन कर दिया, जो ही सप्लाई ऑन करते हैं आप, यहाँ से स्विच जैसे ऑन कीजिएगा, ये जो आपका गोल्ड है वो टूट करके छोटा छोटा जो है आपका आयंस में जो है गोल्ड के आयंस में तब्दील होकर के ये इस पर जा करके डिपॉजिट हो जाएगा, ठीक। तो क्या हो जाएगा, आपको लगेगा कि ये चांदी का नहीं होते हुए भी, ठीक है, ये सोना का कहिएगा आप इसको, है ना, मतलब चांदी का है मगर सोना जैसा वो दिखेगा बिल्कुल ही, रोल गोल्ड ये सब क्या है, वही सब है, ठीक है। चलिए अब ये तो आप देख ही रहे हैं, इसको बैटरी कहा जाता है, इसको सेल कहा जाता है, दोनों में क्या अंतर है, एक सेल सिंगल होता है वो कहलाता है सेल, और जब मिक्स मतलब कि बहुत सारा सेल्स को आप मिला दिए तो बैटरी बन जाता है, ठीक है। तो ये वाला पार्ट क्या है आपका, बैटरी है, ये क्या है आपका, सेल है। चलिए और इसमें और कुछ नहीं है समझने के लिए बाकी, चलिए हम लोग अब क्वेश्चंस करेंगे, और इन क्वेश्चंस को करके हम लोग आज का चैप्टर जो है यहीं क्लोज करेंगे। क्वेश्चन नंबर 70 देखिए, तो लास्ट क्लास तक 69 क्वेश्चन हुए थे, आज हम लोग 70 नंबर क्वेश्चन से आगे बढ़ते हैं। देखिए 2 kΩ का मान क्या होगा, 2 kΩ का वैल्यू कितना होगा, तो kg का मतलब ही 1000 लगा दिए आप, ठीक है, kg का मतलब ही क्या हो गया, 1000, है ना, तो 2 kΩ का मतलब क्या होगा, 2000, और ओम है तो ओम दे दिए, तो क्या आंसर हो गया, ऑप्शन नंबर ए। सभी को क्या करना है, कमेंट करना है आप लोग को कमेंट सेक्शन में, ठीक है, तो इस बात का ध्यान रखिएगा, 5 सेकंड का टाइम दूंगा मैं, और फिर आप लोग को कमेंट करना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 71, 3 सेकंड में किसी तार से होकर 30 कूलम्ब का आवेश प्रवाहित होता है, तार
में प्रवाहित धारा क्या होगी। तो यहाँ पे देखिए आपको क्वेश्चन में जो है टाइम दिया हुआ है और फिर आपको चार्ज दिया हुआ है, आपको बताना है क्या करंट बताना है, कितना करंट प्रवाहित होगा। तो बताइए इसका आंसर क्या होगा। फॉर्मूला यदि आपको याद है I इक्वल टू क्यू बाई टी, तो आप इससे इजीली बना पाइएगा। ठीक है, सभी कोई कमेंट कीजिए, कमेंट सेक्शन में सभी कोई कमेंट कीजिए। ऑप्शन सही ऑप्शन ऑप्शन बताइए इसका। आई पूछा गया है ना, आई इक्वल टू क्यू बाय टी, तो क्यू का वैल्यू क्या है, कूलम कितना है 30 दिया है और टाइम कितना है 3 दिया है। कटाइए इसको, कटाइए कितना आएगा बताइए, कटने पर कितना आएगा 10 आएगा, तो वैल्यू कितना होगा 10 एम्पियर। ऑप्शन नंबर बी। आइए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, इसका मैं लिख दूँ, इसका हो जाएगा बी, इसका आपका हो जाएगा ए। हाँ, क्वेश्चन नंबर 72, थ्री फेज फोर वायर सिस्टम या फिर तीन फेज चार तार सिस्टम के लिए न्यूट्रल तार का रंग कौन सा होता है। न्यूट्रल वायर का आपसे रंग पूछा गया है, थ्री फेज चार वायर सिस्टम वाला। आप देखे होंगे कि आप ट्रांसमिशन लाइन यदि खेत वगैरह में देखे होंगे कि जो ऊपर से जो है वायर्स को लाया जाता है, जहाँ की चार वायर होते हैं, तो वो वाला जो है सेम टाइप का सब होता है, उसमें अल्मोनियम का जो है आपका वायर का यूज किया जाता है। ठीक, मगर जनरल जो हम लोग जो यूज करते हैं, जैसे आपका अल्टरनेटर्स वगैरह में जो यूज करते हैं वहाँ पे, या फिर जो डिस्ट्रीब्यूशन के लिए जो लाइन जो सप्लाई में घर वगैरह में जो आता है, तो उसमें कौन सा वायर होता है। उस थ्री फेज फोर वायर सिस्टम में जो न्यूट्रल तार होता है वो कौन सा कलर का होता है, सभी को कमेंट सेक्शन में बताइए आंसर। देखिए इसका आंसर जो होगा वो हो जाएगा काला। ठीक है, क्या हो जाएगा, सी आंसर हो जाएगा इसका। चलिए 73, उच्च वोल्टेज ट्रांसमिशन लाइन में सबसे ऊपर का चालक होता है, सबसे ऊपर उच्च ट्रांसमिशन जो मैं अभी समझा रहा था आपको, जो खेत वगैरह वाला जो बात आपको बता रहा था, उसमें देखे होंगे कि वायर्स जो है ऊपर से ओवरहेड से जो है ऊपर से लाया जाता है। ठीक है, तो उसमें सबसे ऊपर वाला जो वायर होता है, फिर उसके नीचे इस तरह से होता है, तो सबसे ऊपर वाला जो होता है वो किस चीज़ का होता है। 73 का सभी को आंसर बताइए। देखिए ये सबसे ऊपर जो होता है वो अर्थ का दिया जाता है। ठीक है, ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी। चलिए 74, पदार्थ में चालन नहीं होगा, कौन से पदार्थ में चालन नहीं होगा। समान पदार्थ के तार में विद्युत वाहक बल के तार में, तो किस में होगा इसका मतलब, पदार्थ में चालन नहीं होगा, किस में चालन नहीं होगा आपसे ये पूछा गया, करंट का चालन नहीं होगा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, समान विद्युत वाहक बल के तार में। सेम EMF यदि है तो जब डिफरेंस ही नहीं है, पोटेंशियल डिफरेंस ही जब नहीं होगा, तो कहाँ से ट्रांसफ़र होगा, कहाँ से इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करेगी, नहीं करेगी। मैं ऐसे भी बताया था कि हमेशा जो है हायर टू लोअर करता है, इसमें क्या करता है, नेगेटिव टू पॉजिटिव जो है जाता है हमारा करंट। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। 75 देखिए, डैश की चालकता अधिकतम होती है, किसकी चालकता सबसे अधिक होती है, आपको 75 का आंसर बताना है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। चलिए सभी को बताइए कमेंट सेक्शन में। चलिए 5 सेकंड हो गया, आंसर जाएगा डी। आयंस जो होते हैं ना, आयंस, पॉजिटिव आयंस, अनायंस, कटायंस जो कहा जाता है, उसकी चालकता सबसे अधिक होती है। 76, एक विद्युतीय तापक संवहन कमरे में उपयोग की जाने वाली गर्म करने की पद्धति कौन सी है। ओके, तो आपसे ये पूछा गया है कि विद्युतीय तापक संवहन कमरे में उपयोग की जाने वाली गर्म करने की पद्धति कौन सी है, आंसर बताइए सभी कोई। तो जाहिर सी बात है कि प्रतिरोध तापन पद्धति, मैं बताया भी था कि जो आपका हीटिंग इफेक्ट्स ऑफ करंट जो होता है वो किस पे बेस्ड होता है, वो आपका रेजिस्टेंस पे बेस्ड होता है। तो जाहिर सी बात है इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, ए ऑप्शन हो जाएगा, प्रतिरोध तापन पद्धति पे ही काम करता है, है ना, तो आंसर हो जाएगा इसका ए हो जाएगा। आइए बढ़ते हैं आगे। 77,
10 मिलियन ओम कह रहा है, 10 मिलियन ओम, ठीक है, 10 मिली नहीं है, मिली छोटी इकाई होता है, मिलियन हो जाता है बड़ा, ठीक है। ओम निम्न में से किसके बराबर होगा, निम्न में से किसके बराबर होगा बताइए, 77 का आंसर क्या होगा? टेन मिलियन, तो 10 मिलियन एक्चुअली होगा कितना, 1 मिलियन कितना होता है, देखिए 1 मिलियन जो होता है आपका 10 लाख के बराबर होता है, ठीक है, ये आपका 10 लाख हो गया, ये हो गया आपका 1 मिलियन। अब 10 मिलियन, ठीक है, ये हो गया 10 मिलियन, 10 मिलियन में टोटल जीरोज कितने होंगे, 1 मिलियन में आपका जो है 10 लाख होता है, ठीक है, 10 लाख, तो 10 लाख का मतलब 60 और 10 मिलियन का मतलब हो जाएगा 70, ओके। तो यहाँ पे ये टोटल कितना है, 1 मिलियन के बराबर है, ठीक ना। अब कह रहा है कि ये किसके इक्वल होगा, है ना, तो इसमें हम लोग जो है ये फर्स्ट ऑप्शन जो है 10 मेगा ओम के इक्वल होता है, ओके। तो मेगा ओम कितना हो जाता है, 10 की पावर 6, 10 की पावर 6 जो होता है क्या कहते हैं, मेगा ओम के इक्वल होता है, या फिर इसको हम लोग क्या लिखेंगे, इतना, हाँ इतना हम लोग लिख सकते, ये जो 10 पावर 6 है वो क्या है, मेगा वैल्यू है, मेगा, ओके। तो यहाँ से यहाँ तक टर्म क्या हो गया, ये वाला जो टोटल 60 है, ये वाला टोटल 60, ये हो गया मेरा मेगा, ओके, और ये 10 बच गया, ठीक है। तो 10 तो यहाँ पर रख लिख दिए हम लोग 10, और ये जो 60 था, 60 के बदले क्या लिखेंगे, मेगा, ओके, मेगा, और ओम का बात करें तो ओम लगा दिए, आई बात समझ में, बहुत ही सिंपल है। सबसे पहले आपको जो 10 मिलियन का मिलियन कितना होता है वो आपको जानना है, ओम तो बाद में आएगा, है कि नहीं, ओम अभी हटा दीजिए, 10 मिलियन होता पहले कितना है, तो 10 मिलियन होता है 1 के बाद 70, तो यहाँ पे मैंने लिख दिया 1 के बाद 70, ओके। अब यदि बात करें हम लोग कि मेगा की, तो मेगा जो होता है 10 to the power 6 होता है वैल्यू, ठीक है, 10 to the power 6 होता है मेगा का वैल्यू, तो इधर से हम लोग 6 जीरो यदि काउंट कर ले, 10 to the power 6 हो जाएगा ये वाला वैल्यू, ओके, तो ये हो गया मेगा, ठीक है, मेगा, और ये 10 रह गया, तो हम वही चीज़ लिख दिया गया है, 10 रहने दिया गया, और ये जो 60 था उसको मेगा लिख दिए, तो कितना हो गया, 10 मेगा। अब ओम का यहाँ पे चर्चा चल रहा है तो ओम लगा दीजिए, फैराड का बात होगा तो फैराड लगा देंगे, जिस चीज़ का बात होगा उसको लगा देंगे, राम का बात होगा राम लगा दीजिएगा, श्याम का होगा श्याम लगा दीजिएगा, ठीक है। आइए आंसर बताइए इसका, ऑप्शन सही आंसर क्या है, 77 का हो गया ए नंबर। चलिए अब 78 पे आते हैं। ईसाई कोड के अनुसार अर्थिंग तार का रंग कौन सा होता है, तो 78 का सभी को आंसर दीजिए फटाफट फटाफट, आप लोग घर में यूज भी करते हैं, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी। आइए, अगर 79, अगर वोल्ट मीटर एसी लाइन में जोड़ा जाए तब कौन सा कनेक्शन सार्थक होगा, ओके। वोल्ट मीटर को एसी लाइन में जोड़ने के लिए कहा जा रहा है, तो कौन सा जो है कनेक्शन सही रहेगा, पैरेलल, सीरीज या ए और बी, मतलब सीरीज और पैरेलल दोनों, इनमें से कोई भी। तो देखिए 79 का आंसर सभी को बताइए यदि पता है तो। देखिए इसमें हमेशा आप याद रखिएगा, वोल्ट मीटर को हमेशा किस में कनेक्ट किया जाता है, पैरेलल में ही कनेक्ट किया जाता है, तभी वो डिफरेंस बताएगा ना, पैरेलल में कनेक्शन लाइक ये रजिस्टर है आपका, इसके बीच आपको वोल्टेज बता रहा है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, इस जगह ना इस तरह से हम लोग एक वोल्ट मीटर लगा देंगे, है ना, तो हम लोग पता कर पाएंगे कि कितना वोल्टेज है। यदि एमीटर की बात करें तो एमीटर जो है करंट को मेजर करता है, और करंट को इसमें आप किस तरह से लगाइएगा, तो करंट को आपको हमेशा लाइक इस तरह से ये रेजिस्टेंस, इसके क्रॉस आपको निकालना है कि कितना करंट फ्लो हो रहा है, तो आपको एमीटर यहाँ किसको श्रेणी में लगाना होगा, किसमें लगाना होगा, सीरीज में लगाना होगा, तभी तो करंट इधर से होता हुआ इधर से होता हुआ इधर से जब क्रॉस होगा, इधर से जब रेजिस्टेंस के थ्रू जाएगा, तो एमीटर आपको रीड करके बता पाएगा। और यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस जो है विभव बताने के लिए जो है ये वोल्टमीटर को हम लोग पैरेलल में लगाते हैं, ये इस कंसेप्ट को आप लोग याद रखिएगा, क्योंकि इससे क्वेश्चंस भी आते रहते हैं हमेशा। चलिए क्वेश्चन नंबर 80 देखिए। क्वेश्चन नंबर 80 कहता है कि विद्युत ऊर्जा की वाणिज्य इकाई क्या है, वाणिज्य इकाई की बात करते हैं, ठीक, ओके। ऐसे जनरल केस में जो है आपका पावर यूनिट क्या होता है, तो पावर यूनिट वाट होता है,
ओके ठीक। और यदि हम लोग बात करेंगे कि विद्युत ऊर्जा की, तो विद्युत ऊर्जा की होती है वाट आवर होती है, ओके वाट आवर। लेकिन वाणिज्य के केस में यदि बात करेंगे, ओके कमर्शियली यदि बात करते हैं, तो कमर्शियली क्या हो जाता है, KWH, किलो वाट आवर, ऑप्शन नंबर बी, किलो वाट आवर, किलो वाट आवर। समझ में आ रहा है बात। चलिए क्वेश्चन नंबर 81 देखते हैं। एसी परिपथ में धारा की दिशा, एसी परिपथ में बोल रहा है धारा की दिशा क्या होती है। मैं पिछले क्लास में बताया था कि जब भी डीसी का होता है वो स्ट्रेट जाता है, बिना टाइम, मतलब कि टाइम के अनुरूप वो नहीं चलता है, मतलब कि एक जो वैल्यू है वो फिक्स्ड रहेगा हर टाइम में, ओके। तो एसी का, ये डीसी का कैसा था, अब एसी का बताइए, एसी में क्या था कि वो समय के साथ अपना चेंज करता रहता है वैल्यू, ओके। तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए बी सी आंसर हो जाएगा सी, पल से पल, ठीक है, पल से पल में बदलती रहती है, ओके। तो देखिए यहाँ पे प्लस है, यहाँ माइनस है, यहाँ प्लस है, माइनस, तो क्या होता है, टाइम टाइम जो है वो चेंज करता है, पल पल जो है वो चेंज करता रहता है, ऑप्शन नंबर चल जाएगा सी। आइए क्वेश्चन नंबर हम लोग बढ़ते हैं अब 82 पे। 82 का बताना है आपको कि किसी बिंदु से एक सेकंड में 6.28 × 10⁻¹⁸ इलेक्ट्रॉन प्रभावित होता है, तो विद्युत धारा का मान बताइए, विद्युत धारा का वैल्यू बताना है कि कितना होगा। अब मैं एकदम गला फाड़ फाड़ के पिछला क्लास में बताया था, पिछला क्लास में बताया था कि एक सेकंड में किसी पॉइंट से, ये पॉइंट है मान लीजिए, और इसमें एक सेकंड में यदि आप इतना इलेक्ट्रॉन 6.28 × 10⁻¹⁸ इलेक्ट्रॉन यदि क्रॉस कर दिए, इस जगह से यदि आप क्रॉस कर दिए, तो कितना वैल्यू आपका करंट गया, 1 एम्पियर के वैल्यू बराबर करंट चल जाता है। ऑप्शन नंबर क्या जाएगा, ऑप्शन नंबर बी जाएगा। क्लासेस को कीजिए, क्लासेस पहला वाला क्लास छूटा हुआ तो बेसक कीजिए, 100% कीजिए, मैं आपको बार बार कहता हूँ, क्योंकि बहुत सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मैं कवर किया हूँ और बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस का कलेक्शन लिया हूँ। अब इस सिर्फ इस चैप्टर में सोचिए 84-85 तो क्वेश्चन बता रहा हूँ, और हर क्वेश्चन में एक्सप्लेनेशन, कहने का मतलब एक्सप्लेनेशन यदि आपको मिल रहा है, दैट मीन्स वो 80-85 क्वेश्चन इससे उतना नहीं है, 300-400 क्वेश्चन के बराबर है, प्लस विद थ्योरी, तो उनको और जोड़ते हैं तो 600-700 क्वेश्चन एक चैप्टर में आप यदि कर रहे हैं, 600-700 क्वेश्चन, तो समझ रहे हैं कि आप कितना इससे बाहर क्या आएगा, बताइए, आप ही लोग खुद थोड़ा सा सोच के देखिए। चलिए आप लोग को समझाएंगे जितना भी, तो वो फर्क नहीं पड़ेगा, एग्जाम जब दीजिएगा आप पढ़ के जाइएगा, तब फिर आप लोग को समझाएंगे, हाँ सर जो बोलते थे सही बोलते थे। चलिए देखिए 83, निम्न में कौन सा एक इंसुलेटिंग पदार्थ है, कौन सा इंसुलेटिंग पदार्थ है आपको बताना। तो मैं बताया था जैसे कि आपका पैरेलल प्लेट कैपेसिटर होता है, ठीक है, संधारित्र होता है, उसके बीच में जो है हम लोग कुछ इंसर्ट करते हैं, ठीक है, तो कॉपर, मेटल्स को तो इंसर्ट कभी नहीं किया जाता है, ठीक है, ऑयल को इंसर्ट किया जाता है, पेपर को इंसर्ट किया जाता है, इन सब चीज़ों को डाइलेक्ट्रिक मीडियम्स को क्या किया जाता है, इंसर्ट किया जाता है, जिसमें आंसर क्या हो जाएगा, स्वर्ण। तो इस सारे तीनों का तीनों मेटल हो जाएगा, तीनों कट जाएगा, ऑप्शन नंबर चल जाएगा डी, जिसको क्या कहते हैं हम लोग, पेपर, पेपर को इंसर्ट किया जाता है, कॉर्क भी इंसर्ट किया जाता है। 84 क्वेश्चन नंबर जो है आप लोग के लिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, और मतलब कि बहुत आसान भी कहेंगे इसको, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चंस मैं इससे अच्छे अच्छे क्वेश्चन जो हूँ अपने प्रीवियस वीडियो में करा चुका हूँ, जिसमें कि सीरीज पैरेलल या फिर कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस, कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स का जो क्वेश्चंस कराया था, पूरा एक क्लास ही पर्टिकुलरली उसमें था, उसमें आप ये सब क्वेश्चंस को देख पाइएगा, उसमें अच्छे अच्छे क्वेश्चंस आपको मिल भी जाएंगे विद एक्सप्लेनेशन। तो देखिए इस क्वेश्चन में मैं ऐसे आपको लोग को थोड़ा हिंट देता हूँ, बता देता हूँ, देखिए यहाँ पे क्या किया गया है, ये वाला पार्ट जो है वन ओम का दो ओम जो है, यहाँ पे दो ओम नहीं कहेंगे इसको, ये एक ओम और ये एक ओम, इन दोनों को क्या किया गया है, पैरेलल में रख दिया गया, समानांतर में रखा गया, फिर अलग से इन दोनों को फिर समानांतर में रखा गया, तो इन दोनों को आप पहले सॉल्व कीजिए, ओके। तो जैसे इसको हम सॉल्व करते हैं, ठीक है, फर्स्ट वाले पार्ट को सॉल्व करते हैं, देखिए क्या हो जाएगा, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस 1/R इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/1, क्योंकि 1 ओम का वैल्यू है वहाँ पे, प्लस 1/1, इसको जब सॉल्व कीजिएगा कॉमन एलसीएम 1 हो जाएगा, 1+1 कितना हो जाएगा, 2/1, 2/1 हो जाएगा, लेकिन R जब निकालेंगे तो क्या होगा, R निकालेंगे क्या 1/2 होगा कि नहीं होगा, R हो जाएगा कितना, 1/2, तो यहाँ देखिए 1/2, तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये वाला जो वैल्यू था, ये वाला, इसका मान कितना, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना हो गया, 1/2 ओम, फिर ये वाला जो वैल्यू था इसका कितना हो गया, 1/2 ओम, आई बात समझ में, तो 1/2 ओम इसका वैल्यू हो गया और 1/2 ओम इसका इक्विवेलेंट हो गया। अब क्या कीजिएगा, इन दोनों को एक रजिस्टर से हम लोग को रिप्लेस करना है, तो उस केस में क्या करेंगे हम लोग, यहाँ इसको सॉल्व करते हैं, ये इस तरह का कुछ सीन बनेगा, देखिए ठीक है, ये हो गया 1/2 ओम, ये हो गया 1/2 ओम,
अब ये दोनों किस में है, श्रेणी में है, ये दोनों श्रेणी में, इसको जोड़ दीजिए। तो क्या करेंगे, श्रेणी क्रम में क्या करते हैं हम लोग, जोड़ देते हैं। R इक्वल टू क्या होता है, R1 प्लस R2 होता है। यहाँ पे एक बटा दो और प्लस एक बटा दो, तो हाफ और हाफ जोड़े कितना आ जाएगा, वन ओम आ जाएगा। आई बात समझे, तो ये आपका वैल्यू निकल गया। अब इसको आप किस से रिप्लेस कर सकते हैं, हालांकि आंसर आ गया आपका, तो इसको बस हम लोग इस तरह से दिखा सकते हैं, ठीक है। ये हो गया एक ओम, तो क्या हो गया आपका आंसर, एक ओम आपका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आया। तो देखिए इसमें कौन सा है आपका आंसर सही जाएगा, ऑप्शन नंबर बी लग जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। तो इसको आप, मैं थोड़ा छोटा कर देता हूँ, आप पूरे का चाहिए तो स्क्रीनशॉट लीजिएगा सॉल्यूशन का। देखिए ये हो गया पूरा आपका फुल सॉल्यूशन। तो चलिए गाइज आज के लिए इतना ही, और हम लोगों ने जो है इस चैप्टर में जो है लगभग सभी चीज़ों को ऑलमोस्ट अच्छे से करने का कोशिश किया, और सभी चीज़ें हमारी जो है सारे कंसेप्ट जितने भी थे, छोटे छोटे चाहे टॉपिक्स हों, सभी को मैंने कवर करने का अपने तरफ से बहुत अच्छे से प्रयास किया है। अब रही बात कि इनमें और भी कुछ कुछ बातें हैं जिसको कि हम लोग डिटेल्स में और भी इसका जो पर्टिकुलर, जैसे मान लीजिए मैग्नेटिक का मैं कुछ बताया, मैग्नेटिक फील्ड्स ये सब जो बताया, अब उसका एक पर्टिकुलरली चैप्टर ही है, तो उस टाइम में हम लोग उसको अच्छे से और अच्छे से पढ़ लेंगे, है ना। तो बस यही है आप लोग से रिक्वेस्ट कि आप लोग इन चीज़ों को समझते रहिए, अच्छे से ज्ञान बांटते रहिए, पढ़ते रहिए, ओके। तो फिर हम लोग अब अगले चैप्टर को देखेंगे, उनको समझेंगे कि उसमें क्या क्या है। तो इस बीच जो है आप लोग से ये कहूँगा कि यदि कुछ वीडियोज़ आप लोग का मिस हुआ है तो आप लोग मेरे प्लेलिस्ट में जा करके, यदि आप लोग को प्लेलिस्ट नहीं समझ में आ रहा तो आप मेरे डिस्क्रिप्शन में जाइए, ठीक है, मेरे डिस्क्रिप्शन में खोलिएगा, वहाँ पे आपको सभी क्लासेस का लिंक मिल जाएगा, ओके। इवन आपको प्लेलिस्ट का भी लिंक मिल जाएगा, उसमें मेरे बहुत सारे वीडियो मिल जाएंगे आपको, चाहे बात करें कि एडुकेशन से रिलेटेड, और दूसरी बात है कि आप लोग का जैसे ITI से रिलेटेड जितने भी नोटिफिकेशन आते हैं, चाहे एग्ज़ाम का हो, चाहे आपका शेड्यूल हो, चाहे आपका DGT का गाइडलाइन, चाहे अदर थिंग्स जितने भी होते हैं, चाहे जॉब से भी या अप्रेंटिस से भी यदि कुछ कुछ वैकेंसी आती है, तो उन सबको भी मैं पोस्ट करते रहता हूं। तो आप मेरे चैनल के साथ ज़रूर जुड़िए ताकि इस तरह की नोटिफिकेशन जो है आप तक मिल सके, ओके। और अपने दोस्तों तक भी इन वीडियोज़ को रिकमेंड कीजिए ताकि उन लोग तक भी ये चीज़ें पहुँचे, तो उन लोग के लिए भी कुछ हेल्प हो सके, ठीक है। और इस तरह से एक फैमिली सा बन जाने से सभी को अच्छा भी लगता है। तो चलिए कोई नहीं, अब हम लोग जो है फिर कल मुलाकात होगी आप लोग से, तब तक आप लोग जो है बिल्कुल अच्छे से रहिए, और कोरोना का टाइम है तो वैसे भी आप लोग को जो डिस्टेंसिंग और ये सब जो 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 गवर्नमेंट की जो गाइडलाइंस हैं उसको तो पालन करते रहिए, तो इसी में समझदारी भी है, क्योंकि और दूसरा कुछ विकल्प भी नहीं हो बचता है। तो चलिए फिर मिलते हैं आप लोग से फिर कल, तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, खुश रहिए, थैंक यू सो मच।